प्रिंट परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया। प्रत्येक महीने दो एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना कथा कोई भी व्रत पूरा नहीं किया जा सकता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु का महान भक्त राजा बाली हुआ। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसकी नियमित भक्ति और प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। राजा बलि राजा विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पौत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। इस प्रकार अपने तप और पूजा और विनम्र स्वभाव के कारण राजा बलि ने अनेक शक्ति अर्जित कर ली। इंद्र के देवलोक के साथ त्रिलोक को अधिकार कर लिया। इसे देवता लोक विहीन हो गया। इंद्र को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु का वामन अवतार लेना पड़ा। तभी वामन अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के पास गए। उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह करने लगे। वामन रूप में भगवान ने एक हाथ में लकड़ी का छाता रखा हुआ था। गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे डाला। वचन सुनकर वामन अवतार अपना आकार बढ़ाने गए और उन्होंने इतना आकार बढ़ा लिया कि पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक को नाप लिया, उनके तीसरे कदम की कोई भूमि नहीं बची। तब वचन के पक्के राजा बलि ने कदम रखने के लिए अपना सर प्रस्तुत कर दिया। वामन रूप रखे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा बलि को पाताल लोक राज्य दे दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को प्रदान किया कि चतुर्मास तथा 4 माह में उनका रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। इस तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा चांदी चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं उनका 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।